या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। नागपूर मध्ये MIDC परिसरात एका महिलेने आपल्याच 3 वर्षाच्या मुलीची गळा आवळून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ट्विंकल ही एका व्यक्तीसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये राहत होती। तिच्या लिव्ह इन पार्टनर पासून तिला मुलगी झाली, मात्र ट्विंकल आणि त्याचा प्रियकर यांच्यामध्ये भांडण सुरू झाले होते। या भांडणात दोघांमध्ये मतभेद वाढले आणि सोमवारी रात्री ट्विंकल याचे आणि लिव्ह इन रिलेशन मध्ये राहणाऱ्या तिच्या प्रियकरासोबत जोरदार भांडण झाले। त्या भांडणातून राग अनावरण झाल्याने ट्विंकलने आपल्या 3 वर्षाच्या मुलीचा गळा आवळून खून केला। त्यानंतर आरोपी ट्विंकल ही 3 वर्षाच्या मुलीचा मृतदेह घेऊन पोलीस ठाण्यात हजर झाली व त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली। ही घटना नागपूर येथे घडली आहे। नागपूर परिसरातील MIDC पोलिसांनी त्या महिलेला ताब्यात घेतले असून तिचा तपास सुरू झाला आहे। कल रात 10:30 बजे एक महिला पुलिस स्टेशन में आई, उसके पास में एक 3 महीने की लड़की थी और वो उसने बोला कि मैंने मेरे लड़की को उसका गला मुंह और छाती दबा के उसको जान से मार दिया है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन मिलते ही हमने तत्काल वो महिला को लता मंगेशकर हॉस्पिटल में भेजा और लता मंगेशकर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसकी जो रियांशी नाम की 3 साल की बच्ची थी उसको चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में हमने महिला के पति को बुलाया। महिला के पति के रिपोर्ट पर से हमने वो जो ट्विंकल है उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। इनका पहचान कैसे हुआ और अभी तक हत्या का कारण क्या निष्पन्न हुआ है, क्या जानते हैं? ये ट्विंकल और रामा ये दोनों आपस में रिश्तेदार है और ये दोनों 2020 से पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप है रह रहे थे और 2021 में उनको एक बच्ची हुई, उसका नाम रियांशी है। और ये भंडारा जिले में तुमसर में ये रामा राउत के घर पे ही रहते थे। वहां से कुछ महीने पहले ये नागपुर में काम के लिए आए और फिर एक पेपर कोन कंपनी में दोनों अपनी बच्ची के साथ में काम करते थे। तो घटना के दिन कल भी इनका वो रामा राउत के किसी और के साथ में रिलेशन है, इस बात पे उसका ट्विंकल का झगड़ा हुआ और वो अपनी बच्ची को लेके घर के बाहर पड़ी और फिर बाहर उसने एक जगह पे वो रियांशी उसकी लड़की रियांशी को उसकी गला छाती और मुंह दबा के मार दिया। हमने आरोपी ट्विंकल के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है और उसको अरेस्ट किया। मटन चिकन आणि बीफ साठी प्रसिद्ध असलेले सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियां पाया ताहरी मटन बिर्याणी मटन शीक चिकन 65 आदि मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियां। मटन मध्ये बीफ मटन राइस, बीफ चीज अंगुरी, बड़े मियां स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कड़ी, खीमा मसाला, चिकन मधे चिकन राइस, चिकन मालवनी, स्पेशल बड़े मियां चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन मसाला असे भरपूर आइटम्स उपलब्ध। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, बीफ से स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियां। आमचा पता हॉटेल बडे मियां, विजापूर बेस, सोलापूर।